नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। नाना पटोले कांग्रेस के विधायक महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, वो निर्विरोध चुने गए हैं। पटोले शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी के संयुक्त रूप से स्पीकर पद के उम्मीदवार थे। बीजेपी ने स्पीकर पोस्ट के लिए अपने उम्मीदवार किसन कठोरे के नाम का ऐलान किया था। उन्होंने अपना नामांकन भर भी दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका नाम वापस ले लिया गया। पटोले के स्पीकर चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि नाना पटोले किसान परिवार से आते हैं, पूरा भरोसा है कि वह सभी के साथ न्याय करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में निर्विरोध स्पीकर चुने जाने की परंपरा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, बीजेपी ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए किसन कठोरे को नामित किया था, हालांकि नवनिर्वाचित विधायकों के निवेदन के बाद हमने उनकी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए किसन कठोरे को नामित किया था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में अन्य दलों ने हमसे अनुरोध किया और यह परंपरा रही है कि स्पीकर को निर्विरोध नियुक्त किया जाता है, तो हमने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, पहले विपक्ष ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन हमारे विधायकों की तरफ से किए गए अनुरोध और विधानसभा की शुचिता बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कौन है नाना पटोले? पटोले ने अपना राजनीतिक करियर भंडारा जिला परिषद के सदस्य के तौर पर शुरू किया था। जब महाराष्ट्र में 1995 में विधानसभा चुनाव हुए तो उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पटोले निर्दलीय लड़े और हार गए, सीट बीजेपी के खाते में गई। 1999 और 2004 का चुनाव उन्होंने लखनौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और जीत गए। 2008 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धान के किसानों के मुद्दे पर पटोले का कांग्रेस नेतृत्व से विरोध हुआ और पटोले ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी। 2009 का चुनाव निर्दलीय लड़ा और प्रफुल्ल पटेल से हार गए। इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए और 2009 में विधानसभा पहुंच गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट दिया तो प्रफुल्ल पटेल को करीब 1.5 लाख वोटों से हरा दिया महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया सीट से, लेकिन 2017 में बीजेपी छोड़ दी। पटोले ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी, कहा था कि प्रधानमंत्री को सवाल सुनना पसंद नहीं है। पटोले लोकसभा में विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर प्राइवेट बिल भी ला चुके हैं, जिससे उस समय उनकी पार्टी की खूब फजीहत हुई थी। 20 नवंबर को उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार को 169 विधायकों का समर्थन मिला। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। महाराष्ट्र से जुड़ी जो भी खबरें होंगी लल्लन टॉप आपको बताता रहेगा। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। कैमरे के पीछे हैं राशिद। थैंक यू।